हेलो फ्रेंड्स, विवी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपसे इस वीडियो में कुछ ऐसे प्लांट जिनको आप एक प्लांट अपने गार्डन में लगाते हैं तो वो एक प्लांट ही आपको 100 प्लांट नए बना के देता है। और सिर्फ आपने एक प्लांट पे खर्चा करना है और 100 प्लांट आपको फ्री में मिल जाएंगे बिना एक रुपया भी खर्च किए। इस तरह के प्लांट आपसे इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी। इस तरह के बहुत सारे प्लांट होते हैं तो वही शेयर करूंगी आपसे। तो इस तरह के प्लांट आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं, सिर्फ एक बार खर्चा कीजिए, 100 आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो सबसे पहला प्लांट है, देखिए ये रियो। रियो एक ऐसा परमानेंट प्लांट है जो पूरा साल ग्रो करता है, और जब हम इसका एक प्लांट अपने गार्डन में लगाते हैं तो ये प्लांट एक साल में ही हमें 100 से भी ज़्यादा प्लांट नए बना के देता है एक प्लांट। तो सिर्फ आप एक प्लांट पर खर्चा करिए या किसी से कटिंग इसकी ले लीजिए। तो देखिए इस तरीके से ये एक से ही 100 बन जाते हैं, 100 से 1000 बन जाते हैं। इस तरह का ये प्लांट होता है और इसकी केयर भी हमें कोई ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, लो मेंटेनेंस है और बहुत ही खूबसूरत सा एक डेकोरेटिव प्लांट है जिसको आप छोटे गमले में, बड़े गमले में, हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। पूरा साल ये गार्डन में बना रहता है। दूसरा जो प्लांट है, जब हम इसको एक प्लांट लगाते हैं तो कब हमें ये इतने सीड बना के देता है कि इसके हम 100, 200, 500, 1000 प्लांट तैयार कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो वो है बिंका का प्लांट। बिंका चाहे देसी हो, हाइब्रिड हो, सीड से इजीली ग्रो हो जाता है। और देखिए ये ब्लैक कलर के इसके सीड होते हैं, जब इसमें फूल खिलते हैं तो उसके बाद ही देखिए इस तरीके से इसमें सीड पॉट बनते हैं जो बीज के साथ में पड़ा हुआ, ये इसका सीड पॉट है। तो जब हम सीड पॉट ये पक जाता है तो जब हम खोलते हैं तो इस तरीके से ब्लैक कलर के सीड निकलते हैं जहाँ भी हम डालेंगे। तो इस तरीके से छोटे छोटे ढेरों प्लांट तैयार हो जाते हैं और जब वो बड़े होते हैं तो इस तरीके के लगते हैं। तो देखिए यहाँ भी मैंने कुछ सीड डाले थे तो बहुत सारे जो मेरे प्लांट हैं तैयार हो गए हैं आने वाली गर्मियों के लिए। तो इसको इनको अलग अलग करके जब लगाएंगे, इनकी पिंचिंग करेंगे तो ये काफ़ी बुशी भी हो जाते हैं और बहुत सारे नए प्लांट हमें बना के देते हैं। सिर्फ आप एक प्लांट बिंका का लगाएंगे तो उसके कब 100 प्लांट आपको नया प्लांट वो बना के देगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और बिंका एक बहुत ही खूबसूरत सा परमानेंट प्लांट होता है जिसमें आपको बहुत सारे अलग अलग रंग मिलते हैं, हाइब्रिड में और देसी में भी 2-3 कलर होते हैं। प्लांट हमारा है गोम्फरीना। गोम्फरीना का भी जो प्लांट होता है, एक प्लांट जब हम इसको अपने गार्डन में ऐड करते हैं, जब इसमें फूल खिलते हैं तो बहुत दिनों तक प्लांट पे खिले रहते हैं। जब वो सूख जाते हैं तो अब उनको आप तोड़ के रख लीजिए, और जब वो अच्छे से सूख जाए तो उनको अच्छे तरीके से तोड़ के तो आपने उनको मिट्टी पर बिखेर देना है और फिर उस पर थोड़ी सी मिट्टी डाल देनी है। तो कुछ दिनों में देखेंगे आपको इस तरीके के छोटे छोटे जो प्लांट है देखने को मिल जाते हैं। तो गोम्फरीना भी एक ऐसा प्लांट होता है जो नर्सरी पर आपको 10-15 रुपए का मिल जाता है। जब आपके पास एक प्लांट आ गया तो आप उसके कई 100 प्लांट तैयार कर सकते हैं एक प्लांट से ही। तो उसको एक प्लांट पे आप खर्चा करेंगे तो जो 100 प्लांट होंगे वो आपको फ्री में ही मिल जाएंगे। तो इस तरह के प्लांट आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं जिन पर एक बार खर्चा करेंगे, दोबारा उन पर कभी भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा और हर साल वो आपको फूल देते रहेंगे। तो गोम्फरीना भी उनमें से एक प्लांट है। तो इस तरह के प्लांट समर सीजन में या बरसात में या सर्दी के सीजन में हर सीजन में फूल देते रहते थे। नेक्स्ट प्लांट हमारा देखिए बेजल का है। बेजल भी एक बहुत ही खूबसूरत सा, इसमें फूल भी खिलते हैं और इसके पत्ते भी बहुत ही गुणकारी होते हैं और बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी होती है इसके पत्तों में, फूलों में। और जब ये सूख जाते हैं इसके फूल देखिए इस तरीके से, तो जितने भी सूखे फूल होते हैं उनमें बहुत सारे सीड बनते हैं और एक प्लांट से ही आप इसके कई 100 प्लांट तैयार कर सकते हैं। आप सिर्फ इसको एक प्लांट नर्सरी से ले आइए, कहीं से भी ले आइए, सीड से भी ये ग्रो हो जाता है। तो सिर्फ आप एक बार एक लगा लेंगे तो हर साल ये खुद ही प्लांट तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट हमारा होता है ये रेन लिली। रेन लिली खासकर जो वाइट वाला रेन लिली और पिंक वाला रेन लिली होता है, वाइट वाला तो बहुत ज़्यादा ही मल्टीप्लाई होता है। मेरे पास वाइट वाला रेन लिली का प्लांट है तो देखिए ये पूरा गमला भरा हुआ है। तो इस गमले से लेके कुछ इस साल मैंने जो है एक नया गमला भी तैयार किया था, उसमें मैंने एक एक बल्ब लगाया था। तो अभी देखिए कोई 3-4 महीने के बाद जहाँ मैंने एक एक बल्ब लगाया था, तो अभी देखिए वहाँ ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, जहाँ मैंने एक एक बल्ब लगाया था तो अभी जहाँ कोई 4-4 बल्ब हो गए हैं। तो इस तरीके से ये बेहद मल्टीप्लाई होते हैं रेन लिली के प्लांट, खासकर जो वाइट वाला रेन लिली है ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं। इसके जो बल्ब हैं वो छोटे छोटे होते हैं। तो सिर्फ आप एक बार इनको अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए तो आपको ढेरों प्लांट ये फ्री में बना के देते हैं। नेक्स्ट प्लांट हमारा है ये अडेनियम का प्लांट। अडेनियम का भी जो प्लांट होता है, चाहे
देसी हो चाहे हाइब्रिड हो जो ग्राफ्टेड होते हैं। तो ग्राफ्टेड में थोड़े से कम सीड बनते हैं, जब प्लांट जब काफ़ी मेच्योर हो जाता है तब सीड बनते हैं, मगर जो हमारा देसी वाला होता है सिंगल पेटल वाला, उसमें बहुत ज़्यादा सीड बनते हैं। तो जब हम एक सिंगल पेटल वाला अडेनियम अपने गार्डन में लगाते हैं तो देखिए इस तरीके से इसमें सीड पॉट बनते हैं। जैसे अभी देखिए जनवरी मंथ है, बहुत ज़्यादा 15-20 दिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ा है, तो पत्ते बिल्कुल सूख गए हैं इनके, तो इससे सीड पॉट बना है। तो इस एक सीड पॉट में कम से कम भी आपको 50-50 सीड मिल जाते हैं। तो जैसे ये दो सीड पॉट हैं, या तो ये एक ही है मगर अलग अलग दो फलियाँ हैं, तो जब हम इसको खोलेंगे तो हमें बहुत सारे सीड मिलेंगे, जिससे हम इस तरीके के ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो सिर्फ आप अडेनियम का एक प्लांट अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए तो ये प्लांट आपको ढेरों नए प्लांट बना के देता है। और देखिए ये अपराजिता का प्लांट है, तो ये अपराजिता का जो प्लांट होता है, जितने इसमें फूल खिलते हैं उतने ही इसमें, अगर हम सूखे हुए फूलों को नहीं तोड़ते हैं तो उतने ही इसमें सीड पॉट बन जाते हैं, जिसमें इसके सीड रहते हैं। तो आप सिर्फ एक प्लांट कहीं से ले आइए, सीड से ग्रो करिए चाहे कटिंग से ग्रो करिए, तो जब उसमें फूल खिलते हैं तो अगर आप उन सूखे फूलों को नहीं तोड़ेंगे तो उतने ही सीड पॉट इसमें बन जाते हैं, और एक सीड पॉट में आपको 8-10 जो है सीड मिल जाते हैं। ये देखिए इस तरीके का इसका सीड पॉट होता है, इसमें इसके सीड होते हैं 5-6 सीड या 10 सीड इसमें होते हैं। तो उन्हीं को आप जब ये फली सूख जाती है, अभी ऐसे ये ग्रीन है, जब ये बिल्कुल जो है सूख जाए तो फिर इसके बीच से 5-6 सीड या 10 सीड निकलते हैं, तो उन्हीं को आप जहाँ डालेंगे आपको नए प्लांट जो है फ्री में देखने को मिल जाते हैं। और ये सीड से बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है अपराजिता का प्लांट, और 1 महीने का प्लांट जो है फूल देने लग जाता है। प्लांट हमारा है ये स्पाइडर प्लांट, तो स्पाइडर प्लांट आप एक बार नर्सरी से ले आइए, चाहे किसी आप अपने फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव के घर से छोटा सा प्लांट ले आइए, तो आपको वो छोटा सा प्लांट ही देखिए इस तरीके से बहुत सारे प्लांट बना के देता है। जब हमारा जो स्पाइडर प्लांट होता है थोड़ा मेच्योर होता है, तो उसकी जड़ों से ही एक स्टिक सी निकलती है जिस पर इसके बेबी प्लांट्स लटके रहते हैं, उनके साथ देखिए रूट्स भी होती हैं। तो इन्हीं को आप कट करिए सीजर की हेल्प से और रूट्स के साथ ही उसको मिट्टी में लगा दीजिए, तो ढेरों नए प्लांट जो है आपके बन जाते हैं फ्री में ही। उसके बाद देखिए मदर ऑफ थाउजेंड है, तो मदर ऑफ थाउजेंड और मदर ऑफ मिलियन जो प्लांट होते हैं, ये सिंगल लीफ से आपको 10 प्लांट मिल जाते हैं। जैसे ये जिसके पत्तों पे जितनी जितनी आपको डिज़ाइन दिख रहे हैं, यहाँ से ही न्यू प्लांट निकल आते हैं। तो सिर्फ एक सिंगल लीफ से ही आपको बहुत सारे नए प्लांट मिल जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट हमारा देखिए ये है हवर्थिया। हवर्थिया का आप एक प्लांट अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए। मैंने देखिए सिर्फ एक ही प्लांट है, 2-3 साल 4 साल पहले नर्सरी से लिया था, और अभी देखिए मेरे पास कम से कम भी इसके 50-60 या 100 प्लांट हैं छोटे बड़े। तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है जो आपको नए नए प्लांट फ्री में बना के देता है। नेक्स्ट प्लांट हमारा देखिए ये है कोक्सकॉम का प्लांट। तो कोक्सकॉम का प्लांट सिर्फ आप अपने गार्डन में एक प्लांट लगा लीजिए तो उसमें इतने ज़्यादा सीड बनते हैं कि आप एक प्लांट से ही सैकड़ों प्लांट हज़ारों प्लांट तैयार कर सकते हैं, और बहुत ही ईजी ग्रोइंग होता है। और देखिए इस तरीके से इसमें सीड बनते हैं जो ब्लैक कलर के छोटे छोटे शाइन करने वाले होते हैं, जहाँ गिरेंगे जब इनका ग्रोइंग पीरियड आएगा तो वहाँ ये ग्रो हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह के और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जो 1 से 100 हो जाते हैं, वो मैं आपसे कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। Happy gardening!